ये जो लॉकडाउन के जो उठाने के जो निर्देश दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ये एक तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कई सेक्टर से बंद हो गई थी और इनकम बिल्कुल जीरो था, उसको शुरू करने के लिए एक बड़ा कदम है। अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर्स उन्होंने जो खोले हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी पे खाली पॉजिटिव पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो जो इस निर्देश के द्वारा जो सेक्टर्स जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने का उन्होंने एक ग्रेडेड स्टेप जो दिया है उसमें एक तरीके से काफी ब्रॉड डेफिनेशंस हैं, एक और उनको अगर देखें तो एग्रीकल्चर और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और जहाँ पे ये आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स और कंस्ट्रक्शन में एक तरीके से फोकस दिया है, ये एक ठीक फोकस है क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्ट जो अभी जरूरत है और सोइंग की जरूरत है एक तरीके से वो, और दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो इन सेटू जो उनके पास वर्कर्स हैं, क्योंकि वो अगर वो मानसून के पहले खत्म ना हो तो उसमें काफी दिक्कत आएगी, और ये जो स्टेट्स जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द ग्राउंड उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा। तो अगर आप देखें जो पिछले जो लॉकडाउन का जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे कई कंपनी जो है वो 5 या 10% के ऑपरेशंस तक पहले इनिशियली काम कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के साथ बात करके जो उनकी मूवमेंट की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उनको एक तरीके से सॉल्व करके अभी कई कंपनियां जो एसेंशियल आइटम्स और उन दायरे में काम कर रहे हैं वो अगर 80% प्रोडक्शन तक चले गए, तो और भी स्टेट और लोकेशन द्वारा भी थोड़ा सा ये वेरी करता है। तो आगे जा करके अगर आप देखें तो अगर यही एक्सपीरियंस दोहराया गया तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन रैम्प अप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें जो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है और उनकी सप्लाई चेन में कोई बाधा आई हुई है या उनके उनके सप्लाई नहीं आ रहे तो उनको एक दिक्कत होगी। दूसरा जो है देखेंगे तो ट्रक्स पे निर्भर करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीट के लिए, उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उनको ट्रक ड्राइवर्स वापस आने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा लेबर वापस लाने के लिए, क्योंकि कई लेबर वापस चले गए हैं और अगर कंपनीज उनके पास उनको जैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जैसे ये निर्देश में एक ऑप्शन दिया गया है और उनको अपने कंपनीज के अंदर ठहरा सकते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये जो पहला जो कदम उठाया है लॉकडाउन उठाने का, इन्होंने जो हॉटस्पॉट्स डिफाइन किए हैं, जो कल लिस्ट निकली थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट निकली थी, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं देश में, तो हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को आगे जाके हम कैसे डिफाइन करते हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट के बजाय उनको एक स्पेसिफाइड एरिया में कंटेन करें और उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करें उनको आइसोलेट करके, तो ये एक अच्छा कदम होगा आगे ले जाने के लिए।